Hello, everybody. I am Tarun Kapoor. Welcome back to Ejo Imprints. Now we will start Mock Test 5 of tot in Legal Aptitude. You can also follow my other playlist of Indian Polity series of M. Lakshmikant and other relevant sources we have also covered and the legal current affairs series which is very important for your llb entrance and other than that we have also started the legal gk or legal aptitude in which we have covered the judgments and the statutes the uh, previous statutes all those things we have covered very uh, in simplify in simplify way and we have also started the current affairs series topic wise in the uh, give, in the given playlist and the du polity and um, Previous year questions with possible questions and the explanation we have also started, and we also start we have also started the mock test series of Constitution, Contract, mock and TOT and the IPC, so you can take the benefits there from and you can also follow us on uh, Imprints by tarun kapoor their facebook page and uh, you can ask your doubts on the instagram and by by inbox by inboxing us your doubts and you can also join our telegram group and at the rate print is a twitter handle links of all of these are given in the description in the comment section so let's start the today's test so a person trespass, uh, trespassing someone's else property to put out a fire ए कैन एस ए कैन एस्केप इज़ लाइबिलिटी बाय विच डिफेंस अंडर टॉट देखिए एक पर्सन ए है जो ट्रेस पास कर रहा है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी कर अब किसी उनके घर के अंदर आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए तो क्या ए अपनी जो लाइबिलिटी को एस्केप कर सकता है और वो किस डिफेंस से करेगा प्राइवेट डिफेंस प्लेंटिफ इज़ द रोंग डूअर एक्ट ऑफ गॉड और नेसेसिटी द करेक्ट आंसर इज नेसिटी बिकॉज वो नेसेसिटी है और वो ग्रेटर इवेल को रोकने के लिए ये ट्रेस पास कर रहा है उसके बाद हमारा नेक्स्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज वाइल्ड बिस्ट थ्यूरी ए एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रेल एंड वर्सेज फ्लैचर रूल एक्टेंसन रूल और नान ऑफ दीज रेलन वर्सेज फ्लैचर रूल है जिसको वाइल्ड बिस्ट थ्यूरी भी कहा जाता है नेक्स्ट इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर एसेंशल टू अप्लाई द रेलेंस रूल डेंजरस थिंग एस्केप एंड नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड एंड ऑल ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज कि डेंजरस थिंग भी होनी चाहिए वो उसका एस्केप भी होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी से आपके नेबर्स की प्रॉपर्टी में और उसका आप नो नैचुरल यूज भी कर रहे हो दैन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम ग्लाउस गैमल स्कूल केस relan versus fletcher Beamsing singh versus jammu and kashmir and the none of these the correct answer is c beem singh versus jammu and kashmir because in this case the Beamsing singh was a basically द मेम्बर ऑफ लेजिस्टिव असेंबली एंड ही वो उसको रोक लिया जाता है और उसको असेंबली का सेशन नहीं अटेंड करा जा करें देना जाता है क्योंकि उसे डिटेन कर लिया जाता है तो बाद में उसको पचास हज़ार रुपये कोर्ट से मिलता है क्योंकि वो कोर्ट जी केस जीत जाता है सो so, उसको लीगल राइट right उसका इन्फ्लुंस होता है कि क्योंकि वो असेंबली के सेशन को अटेंड नहीं कर पाता ठीक है so, सो इंजूरिया साइन डैम और जो डैम्लम साइन इंजूरिया का जो लैंडमार्क केस है वो ग्लाउस्टर ग्रामर स्कूल केस है उसके बाद हमारा आ जाता है अनदर नेम ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया या इनएविटेबल एक्सीडेंट लीव एंड एक्सपोज लीव एंड लाइसेंस लेवेंशिया द करेक्ट आंसर इज लीव एंड लाइसेंस एक और नाम है डिफेंस ऑफ कंसेंट भी इसे कहते हैं द ऑनर्स ऑफ प्रूविंग नेग्लिजेंस इज ऑन द डिफेंडेंट थर्ड पर्सन प्लैंटिव और नान ऑफ द अबव ऑब्वियसली जो रिस्पांसिबिलिटी है नेग्लिजेंस प्रूव करने की वो हमेशा प्लेटिव पर होती है ठीक है सी इज़ द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिमोटनेस ऑफ डैमेज की कौन से रूल हैं जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज के हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉर साइड टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी दोनों ही ये रिमोटनेस ऑफ डैमेज के हैं द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज कोजा कोजाकोजींस सिक टो उम लॉ नॉन लेडीज नोवस एक्टस इंटरवेनिंग नॉन ऑफ द दर्व द करेक्ट आंसर इज बी दिस इज इट्स मीनिंग इज एवरी मस्ट सो यूज हिज ओन एज नॉट टू डैमेज टू अनदर ठीक है कि वो अपनी चीज इस तरीके से यूज करेंगे कि, कि सामने वाले को नुकसान ना हो दूसरे सामने वाली पार्टी को डैमेज ना हो तो यही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई एम डिस्कसिंग हेयर नैंड वर्सेज फ्लेचर तो थोड़ा सा घूम के सवाल था देन इन लो द टर्म नेबर मीन्स पीपल हु स्टेन योर लोकेलिटी पीपल हु लीव एट ज्वाइनिंग टू योर रेसिडेंस पीपल हु माइट बी अफेक्टेड बाय योर एक्शंस द वर्ड हैज नॉट बीन गिवन एनी पर्टिकुलर डेफिनेशन सी C is the correct answer because the per people who might be affected by your actions is the term neighbor means in law. What is the meaning of me uh, Exim Nemo Judex in sua causa? The judge needs a cause to condemn the accused. The second is no person can be judged in his own cause. The judiciary is appointed for a cause and they shall serve the cause till their last breath and all of the above. The correct answer is no person can be judged in his own cause. अपने ही कोर्स के लिए वो जज नहीं हो सकता है ठीक है सो दिस इज नेक्स्ट इज विच ऑफ द सिस्टम इज़ फॉलोड इन इंडिया एडवर्सरल सिस्टम जुडिशल सिस्टम इन इक्वेस्टरल सिस्टम नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज एडवर्सरल सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है देन देर इज़ अ प्रिंसिपल दैट द लो डज नॉट पेनलाइज फॉर लॉन्ग रॉन्ग विच आर ऑफ ट्राइवल नेचर कि जो लो है वो ट्राइवल नेचर के एक्ट्स के लिए पेनलाइज नहीं करेगी फैक्ट ये है कि इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन ए ने कुछ पेपर्स फेंक दिए टेबल के ऊपर जो बी के हैंड्स को टच हो गए तो विल ए इज़ लाइबल फॉर हिज़ एक्ट एज अ फाइल टच बीज हैंड ए इज़ लाइबल फॉर हिज़ एक्ट एज़ इट असॉल्टेड बी सी ए इज़ लाइबल फॉर इंसल्टिंग बी ए इज़ नॉट लाइबल फॉर हिज एक्ट एज़ इट वॉज ऑफ़ ट्राइवल नेचर सो उससे डी इज़ अ करेक्ट आंसर प्रिंसिपल को देखते हुए पता लग रहा है ठीक है उसके बाद द डिफॉर्मेशन इज़ द पब्लीकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विच टेंट्स टू लोअर द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी जनरली कि ये प्रिंसिपल कह रहा है कि डिफोमेशन एक ऐसी पब्लिकेशन है स्टेटमेंट का जो कि आपकी रेपुटेशन को पर्सन की दूसरों की नज़र में जो सोसाइटी के मेम्बर्स हैं उनके उसके अंदर काम करेगी तो ए राइट करता है एक हाईली ओफेंसिव बहुत सी डेरोगेटरी लेटर लिखता है बी के बारे में और वो डायरेक्टली सील कवर के अंदर बी को भेज देता है किसी और पर्सन को नहीं दिखता है तो क्या ए लाइबल होगा फॉर डिफॉर्मेशन एज अ लेटर इज़ हाईली ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी सेकेंड ए लाइबल नहीं होगा बिकॉज कोई उसने पब्लिकेशन नहीं करा है जिसका एस्टिमेशन बी को मतलब भुगतना पड़े या उसकी जो डेपोटेशन है कम हो और ए इज़ लाइबल फॉर बीज डेफोशन एज अ लेटर इज़ हाईली ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी सो बेसिकली बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज उसका कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ है एज पर द प्रिंसिपल उसके बाद विच ऑर्डर ऑफ कोर्ट रिस्टेन द कमीशन रेपटेशन और कॉन्टिनेंस ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ डिफेंडेंट फीजेंट इंजेक्शन रिस्टेनमेंट नन ऑफ दीज बेसिकली इंजेक्शन है जो ये जुडिशल रेमडी है ठीक है हमारी टॉट में द लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमडीज़ आर अवेलेबल इन in the torts judicial remedies extra judicial remedies both a and b none of these basically don't know judicial extra judicial remedies available torts so these are the 15 questions if you have any doubt you can ask in the comment section please do like share and comment my videos i need your support and do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon so that to get the notification automatically thank you so much hope to see you in the next session